Very warm welcome back to all learners. Welcome to Vedami. यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 9 का क्विक कवरेज, जिसमें हम यूनिट 9 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अभी अपना क्या चल रहा था, यूनिट 9 का ई सेक्शन चल रहा था, सेक्शन ई चल रहा था, जिसमें हम क्या देख रहे थे, ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अभी तक हमने क्या क्या देखा, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस या हेल्थ इम्पोर्टेंस। तो हमने क्या क्या देखा सेक्शन ई में, पहला अपन ने कवर किया पैरासाइट्स जो कि ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद हमने प्लांट पैरासाइट को कवर किया, जिसमें वो क्या करते थे, प्लांट में डिजीज कॉज करते थे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, क्रॉप के बारे में पढ़ा कि कौन से क्रॉप्स कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, और क्या पढ़ा, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, फ्रूट्स की वेराइटीज कहाँ पे कौन सी ज्यादा पाई जाती है। अभी अपन आ गए हैं क्रॉप्स एंड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कि कौन सी वेराइटी पे कौन सा सेरल क्रॉप्स कहाँ ओरिजिन हुआ था। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे नैरेट करूंगी कि कौन सा सेरल क्रॉप्स कहाँ पाया गया है, और इन सारे जो नोट्स हैं, इन सारे नोट्स के पीडीएफ आपको वेदेमी ऐप पे मिल जाएंगे। एक बार यहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद आप वेदेमी वेबसाइट को या वेदेमी ऐप को विजिट कर सकते हैं, और वहां से ये सारे नोट्स, ये सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेरल क्रॉप्स की और उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन की, तो पहला नंबर आता है व्हीट और राइस का, उसके बाद आता है मेज, बार्ले, ओट्स एंड सॉर्गम। सबसे ज्यादा हम कंज्यूम क्या करते हैं, व्हीट या राइस, हमारे रोटियों के फॉर्म में, हमारे चावल के फॉर्म में। तो व्हीट या राइस जो है हमारे वहाँ इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो इसकी ओरिजिन हुई थी मिडिल ईस्ट में, कहाँ, मिडिल ईस्ट में हुई थी, जिसमें प्रेजेंट डे का क्या आता है, इराक और सीरिया वाला इलाका आता है। कौन सा इलाका आता है, इराक और सीरिया का जो एरिया है वो आता है। तो मिडिल ईस्ट में वीट की ओरिजिन हुई थी। राइस की ओरिजिन जो है वो एशिया में है, और जनरली अगर हम देखें तो अराउंड गैंगेज रिवर, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो राइस का ओरिजिन तो अपना है, चावल जो है वो अपना है, चावल विदेशी नहीं है, चावल एशिया से बिलोंग करता है, और एशिया में भी कहाँ, गैंगेज रिवर और बांग्लादेश से। और इसीलिए हमें चावल खा के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कुछ भी और खाने से नहीं मिलता। अब मेज की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्न बोलते हैं, मेज बोलते हैं, जो भी कह लो, भुट्टा बोल लो। तो ये इसकी ओरिजिन है अमेरिका की, समझे, इसीलिए अमेरिका में पॉपकॉर्न और कॉर्न के जितने डिजीजेस हैं वो बहुत कॉमन है। तो अमेरिका में है, और स्पेशली कहाँ, मैक्सिको में है। तो मेज एंड मैक्सिको कॉमन है, मेज एंड मैक्सिको। तो आपका मेज हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे बार्ले की। बार्ले की ओरिजिन है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की। ओट्स की बात करें, जो कि हम जनरली बहुत प्रेफर करते हैं एज अ फॉर वेट लॉस और फॉर प्रोटीन इंटेक, कि ओट्स में प्रोटीन होता है काफी, 13 ग्राम प्रोटीन होता है, ऐसा सोच के हम ओट का इंटेक करते हैं डाइट के लिए। तो हमें जान लेना जरूरी है कि ओट का ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न यूरोप है, ओट्स की ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न यूरोप है। इसके बाद आता है सॉर्गम। सॉर्गम की ओरिजिन जो है वो है अफ्रीका, कहाँ है, अफ्रीका है। अब आगे और देखते हैं कि ऐसे ही बाकी चीजें कहाँ कहाँ पे। अगर हम दालों की बात करें, तो अभी तक तो हमने अपने खाने में किसकी बात की, चावल रोटी, चावल और रोटी की बात की। उसके बाद मक्के की बात की कि मक्का कहाँ होता है, ओट्स कहाँ से होता है, तो ये चीजें देखी। अब हम अपने दालों की बात करेंगे कि जो दालें हम खाते हैं वो दालें कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारे छोले भटूरे का। तो हमारे छोले जो हैं, चिकपी हैं, चिकपी जिनका साइंटिफिक नेम है सीसर एरिथिना, ये ओरिजिनेट हुए थे मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन रीजन से, मिडिल ईस्ट से और मेडिटेरियन रीजन से ओरिजिन हुए हैं। इसके बाद बारी आती है लेंटिल्स की, जो दालें हम खाते हैं बहुत सारी, अगर हम अरहर की दाल बोले या कोई
तो ये जो है नियर ईस्ट या सेंट्रल एशिया से ही इनका ओरिजिन हुआ है। तो और अगर बात करें पी की, तो पी भी सिमिलरली जैसे चिकपी है वही पी भी है, तो मेडिटेरियन रीजन से ये भी आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है। उसके बाद आता है फावा बीन, बीस या फावा जिसको बोलते हैं, ये अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया से बिलोंग करता है। मूंग बीन पे क्वेश्चन आ चुका है यूनिट 9 में CSIR में कि मूंग बीन की ओरिजिन कहाँ है। तो मूंग बीन हमारा अपना है, इसीलिए बोलते हैं मूंग दाल की खिचड़ी खा लो, बहुत कॉमन है, सदियों से खाई जाती रही है। और इसीलिए इसका ओरिजिन क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो मूंग बीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। तो इसके बाद है ब्लैक आइड पी, ये पी कहाँ आ रहा है, ये पी ओरिजिनेट हो रहा है वेस्ट अफ्रीका से। इसके बाद बारी आती है काउपी की, ये कहाँ से, ये भी अफ्रीका की। तो आप दो पी के बारे में, अगर ब्लैक आई पी है, ब्लैक आई पी है या काउपी है, तो इन दोनों को बिलोंगनेस आप क्या याद रखोगे, अफ्रीका याद रखोगे। ऐसे ही चिक पी है, चिक पी और नॉर्मल पी, तो इनके लिए याद, पी का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने किया था, तो मेंडल से मिलता जुलता नाम आपको याद हो जाएगा, मेडिटेरियन रीजन, क्या मेडिटेरियन रीजन, तो उससे आप याद कर सकते हो कि मेडिटेरियन रीजन है। और उसके अलावा मिडिल पी मेंडल, मेडिटेरियन से ही मिडिल ईस्ट भी याद कर सकते हो, तो यहाँ से मिडिल ईस्ट भी आपको याद हो जाएगा। तो आपका ये शॉर्ट आउट हो गया कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर पल्स क्रॉप्स। अब हम बात करेंगे फ्रूट क्रॉप्स की, उनमें भी कुछ मेजर फ्रूट्स हैं जिनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछी जाती है। तो एप्पल की ओरिजिन है कजाकिस्तान, कहाँ, कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान से एप्पल की ओरिजिन हुई है। अगर बनाना की ओरिजिन देखें तो ये साउथ ईस्ट एशिया से हुई है, साउथ ईस्ट एशिया, और जनरली बात करें तो इसमें आते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया, जो कि बनाना की ओरिजिन के लिए फेमस है, कि मलेशिया और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री, मलेशिया और इंडोनेशिया। इसके बाद अगर बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज भी जो है बनाना की तरह ही साउथ ईस्ट एशिया से आया हुआ है, लेकिन ये ऑरेंज जो है वो बोलते हैं कि या तो चाइना या तो इंडिया से, चाइना या इंडिया से है। तो हमारा ऑरेंज जो है हमारा अपना है साइट्रस साइनेंसिस, ऑरेंज जो है इंडिया से है या और चाइना से बिलोंग करता है। बनाना भी मलेशिया और इंडोनेशिया से बिलोंग करता है, तो ये दोनों साउथ ईस्ट एशिया की क्रॉप्स हो गई। इसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स जो है वो सेंट्रल एशिया से हैं, जनरली बिलोंग करते हैं कैस्पियन और ब्लैक सीज के रीजन से। इसके बाद है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो है वो साउथ अमेरिका से है, जिसमें पैरा और साउथ सदर्न ब्राजील जो है वो एरिया जो है कंसीडर किए जाते हैं इनके ओरिजिन के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ और फ्रूट क्रॉप्स की, जिसमें क्या आता है, मैंगो आता है। तो मैंगो सबसे ज्यादा दीवाने होते हैं हम इंडियंस मैंगो के, तो इसीलिए ये साउथ एशिया का ओरिजिन है, इसीलिए हमें आम सदियों से बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंगो हमें इसीलिए पसंद है क्योंकि ये यहीं की ओरिजिन है, हम इसे बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं साउथ एशिया। तो ये इंडिया और बर्मा का ओरिजिन माना जाता है, इंडिया और बर्मा का ओरिजिन माना जाता है। इसके बाद है एवोकैडो, एवोकैडो जो है वो साउथ सेंट्रल मैक्सिको से बिलोंग करता है। फिर स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन मानी जाती है। वाटरमेलन के लिए अफ्रीका जो है, अफ्रीका की कालाहारी डेजर्ट जो है वो वाटरमेलन के ओरिजिन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही पोमग्रेनेट के लिए ईरान, ईरान के आसपास के रीजन जो हैं वो पोमग्रेनेट के लिए, के ओरिजिन के लिए जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जियों की, हमारी सब्जियों की, सब्जियों में हम टोमेटो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये टोमेटो जो है ये हमारे कंट्री में बाहर से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, एंडीज रीजन से, जो इसमें मॉडर्न पेरू या इक्वाडोर है, या इसको बोलेंगे ओवरऑल अगर बोले तो कंट्री ऑफ ओरिजिन हो जाएगी साउथ अमेरिका, उसमें भी कौन सा, एंडीज रीजन जिसमें पेरू और इक्वाडोर आता है। फिर
फिर पोटैटो है, पोटैटो भी साउथ अमेरिका से आया हुआ है। इसकी भी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? साउथ अमेरिका। और एंडीज सेम पेरू एंड बोलिवा। तो आप याद रख लो, पोटैटो और टोमेटो दोनों साउथ अमेरिका से आए हुए हैं, फॉरेनर हैं। और कैरेट, कैरेट की जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया है और मिडिल ईस्ट है। और कुकुम्बर, कुकुम्बर जो है वो हमारा इंडियन है। फिर बेल पेपर है, बेल पेपर जो है वो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में बनाया गया है, मतलब सॉरी उनका ओरिजिन जो है वो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है। इसके बाद स्पिनाक, ये पर्शिया, पर्शिया या मॉडर्न डे ईरान से ओरिजिनेट हुआ है। स्पिनाच कहाँ? पर्शिया या मॉडर्न डे ईरान से ओरिजिनेट हुआ है। ब्रोकोली, ब्रोकोली इटली की है, तो याद रख लो ब्रोकोली इटली, ब्रोकोली इटली ऐसा करके याद रख सकते हो कि ब्रोकोली जो है वो इटली से बिलोंग करता है। कैबेज, कैबेज मेडिटेरियन रीजन से है, लाइक यूरोप, कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका हो जाएगा यूरोप, मेडिटेरियन रीजन। और अनियन जो कि हमारा प्याज है वो ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता है। सेंट्रल एशिया और मोस्ट प्रोबेबली ईरान एंड पाकिस्तान से बिलोंग करता है। गार्लिक भी सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता है और ताजिकिस्तान और खारिजिस्तान से ये बिलोंग करता है। क्या हो गया? लहसुन और प्याज ये दोनों किसी स्थान से बिलोंग करते हैं। प्याज पाकिस्तान से और लहसुन जो है वो खिर्जिस्तान और ताजिकिस्तान से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कुछ फ्रूट्स और उनके ओरिजिन कंट्री, कुछ वेजिटेबल्स उनके ओरिजिन कंट्री, कुछ सेरल क्रॉप्स और कुछ पल्सेस जिनकी ओरिजिन कंट्री हमने देखी। उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के बाद के फॉर्म में। चार पांच जो है क्रॉप्स आपको दे दी जाएंगी, मे बी वो सैरल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, और वहाँ एरिया ऑफ ओरिजिन का एक कॉलम दे देगा। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीजें खत्म हो जाती हैं। अब इसके बाद जो शुरू होगा वो शुरू होगा सेक्शन डी, क्योंकि ई और एफ तो खत्म हो चुके हैं, अब शुरू करेंगे हम सेक्शन डी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।